नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सभी कई दिनों से इस एक खबर को लेकर बहुत चिंतित है कि आगामी एक वर्षों तक कोई भी भर्ती निकाली नहीं जाएगी, ऐसा शासनादेश जारी हुआ है। तो मुझे जिस तरह की जानकारी मिल रही है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो शासनादेश जारी हुआ है वो क्या है। ये देखिए, ये शासनादेश का PDF है मेरे पास में। ये आपका जारी हुआ है और 18 मई को देखिए ये दिनांक दी हुई है लखनऊ से, 18 मई 2020 को। प्रेषक इसमें संजय मित्तल हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं, और प्रेषित किसको किया गया है, मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को और उत्तर प्रदेश शासन को। अब अगर इसमें बात करें तो ये बाकी सब तो आपके मतलब के नहीं हैं। भर्तियों से संबंधित इसमें दो पॉइंट्स में बात की गई है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या बात की गई है। विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो अप्रासंगिक हो गए हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं है, जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। उन पदों को समाप्त करने की कार्यवाही की बात उस बैठक में की गई है। इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से कई सारे ऐसे पद हैं जिनका अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है, तो उसमें अगर कोई नई भर्तियां ना की जाए और अगर कोई कार्यरत है उसको भी शेष जो वहां पे काम कर रहे हैं शेष पद हैं उनमें समायोजित कर दिया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। यहां पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस तरह के नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। इस तरह के पदों की बात की गई है जो अप्रासंगिक हो गए हैं। अब कोविड जैसी भयंकर महामारी के समय में कहीं ना कहीं प्रदेश को अपना कुछ पैसा सुरक्षित करना होगा, अपने वित्त के बारे में सोचना होगा, तो इस वजह से यह शासनादेश जारी हुआ है। मैं हालांकि बिल्कुल भी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि शासनादेश में ऐसा कुछ भी नहीं था, बाकी तो आप लोग जान रहे हैं। मैं सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ आपको वास्तविकता ये बताने वाली हूँ कि वास्तव में शासनादेश क्या था, उसको किस तरह से परिवर्तित करके हमारे सामने लाया गया है। इसलिए आप लोग बिल्कुल पीड़ा ना लें, आराम से तैयारी करिए। यदि अभी नहीं तो 2-4-5 महीने में ज़रूर भर्तियाँ आएंगी, और क्योंकि 2022 में चुनाव है तो आपको परीक्षा देने को अवश्य मिलेगी। बेफिक्र होकर आप पढ़ाई करें, अपने आप को बाधित ना करें। दूसरा ये देख लीजिए, जो इसका और दूसरा पॉइंट था, विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थाई प्रकृति के पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। अस्थाई प्रकृति के पदों की नियुक्तियां, इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद सृजित ना किया जाए। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से की जाए। देखिए, कई सारे विभागों में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जैसे सलाहकार हैं, अध्यक्ष हैं, ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जैसे कोई समिति बनाई गई, कोई इस तरह की बनाई गई, वहाँ पे अध्यक्ष हुए, सलाहकार हुए, और ये अस्थायी अस्थायी नहीं है, कुछ समय बाद ये चेंज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए लगभग एक व्यक्ति के लिए 7 स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं, लगभग में मैं बता रही हूँ। जैसे फॉलोवर हो गए, इनके कुकिंग के लिए हो गए, इनके ड्राइवर्स के लिए हो गए, तो उन पदों की बात यहाँ पे की गई थी कि इन पदों के सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद न सृजित किया जाए। जो उक्त विभाग में या उस विभाग में जो भी सरप्लस स्टाफ इस समय मौजूद है, या तो उसको लगाया जाए या आउटसोर्सिंग से इन पदों को भरा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदों को लेकर बातें कही गई थी वो दो यही बातें थी। इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए,
अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है, किसी की बातों में ना आइए, शांति से पढ़ते रहिए। भर्तियाँ आएंगी, होंगी, अभी वर्तमान में महामारी है, कहीं ना कहीं चाहते हैं ना चाहते हम लोगों को इस समय तो सरकार का साथ देना ही है ना, भर्तियाँ भी आएंगी और क्योंकि कार्यकाल पूरा होगा 22 में, चुनाव होंगे तो सरकार पद भी निकालेगी और परीक्षाएं भी होंगी। आप अपने काम में लगे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कीजिए, अपने को सुरक्षित रखिए और समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ते रहिए। किसी भी बेकार की बातों में ना आइए, धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। अब आपको आराम से तैयारी करने का मौका मिला है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ये जानकारी मिली, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।